प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण 10 हल करने जा रहे हैं। इस उदाहरण में हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और ये बताया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। दूसरी चीज हमें ये कही गई है कि इस त्रिभुज में शीर्ष बी और सी से क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचा गया है और हमें सिद्ध करना है कि दोनों शीर्ष लंब BE और CF बराबर लंबाई के हैं, यानी दोनों शीर्ष लंबों की लंबाइयां बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने की प्रक्रिया में जो कथन हम एक के बाद एक लिखेंगे वो कथन यहाँ पर क्रमशः लिखे हुए हैं और इन कथनों के लिए जो संभावित कारण हैं वो भी हमें इस तरफ लिखे दिए हुए हैं, लेकिन इनका क्रम इनके क्रम से अलग है। तो हमें ये देखना है कि जो कथन है वो क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे कारण कौन से हैं, ये हमें यहाँ ढूंढना है और उन्हें भी सही क्रम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ कि कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, बी ई और सी एफ क्रमशः ए सी और ए बी पर लंब है, यानी कोण बी ई सी 90 अंश का होगा और कोण सी एफ बी भी 90 अंश का होगा, ये भी हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि बी ई और सी एफ आपस में बराबर है। तो चलिए हम पहले कथन की तरफ गौर करें। यह हमें लिखा हुआ है कि ए बी ए सी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ये क्यों है ये हमें इनमें से ढूंढना है। अब आप देखिए, अभी ही शुरू में ही हमने कहा था कि ये जानकारी हमें दी हुई है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कथन है दिया हुआ है। तो हम इस कथन को, इस कारण को पहले कथन का कारण मानेंगे और इसे क्रमांक एक देते हैं। दूसरे कथन को देखिए, ये कह रहा है कि कोण ए सी बी, चित्र में देखिए कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, यानी बड़े त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी कोण ए बी सी के बराबर है। इसकी वजह क्या हो सकती है सोचिए। आपको समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों के बारे में जानकारी है और आपने एक प्रमेय में प्रूफ भी किया है, सिद्ध किया है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हैं, इसलिए इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे और उस आधार पर आप कह सकते हैं कोण सी कोण बी है। तो इन कारणों में से कौन से कारण का चयन करेंगे, आप देखिए ऊपर से पहला ही कथन दिया हुआ है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम इस कथन को ही पहले कथन, इस कथन को ही दूसरे कथन का कारण मानेंगे और इसे हम क्रमांक दो देते हैं। आगे बढ़ें, यहां पर भी कोण की बात की जा रही, कोण बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी, चित्र में देखिए कोण बी एफ सी, यहाँ देख रहे हैं आप समकोण बन रहा है, बराबर कोण सी ई बी, सी ई बी ये भी समकोण है। अब देखिए जो बचे हुए विकल्प हैं उनमें से किसका आप चयन करेंगे, उभयनिष्ठ भुजा ए ए से सर्वांग समता से प्रत्येक कोण 90 अंश का है, सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। आप समझ गए होंगे कि चूंकि ये दोनों कोण 90 अंश के हैं और इसलिए आपको इस कारण के रूप में इसका चयन करना होगा, तो आप इस तीसरे कथन के लिए इस कारण का चयन करेंगे और इसे क्रमांक तीन देंगे। चौथे को देखिए, चौथे में कह रहा है BC बराबर BC, यानी एक ही भुजा को दो बार लिख रहा है BC बराबर BC। आप यहाँ देखिए BC को BC के बराबर कह रहा है, क्या BC बराबर BC लिखा जाना उचित होगा। आप देखिए BC त्रिभुज BEC का भी भाग है और त्रिभुज CFB का भी भाग है और दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ भुजा के रूप में है, तो इस कथन के लिए आप चुनेंगे उभयनिष्ठ भुजा और इसे क्रमांक चार देंगे। अब आप देखिए आगे वाले कथन पे हम गौर करें, त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि सर्वांग है त्रिभुज CFB के, CFB के सर्वांग सम है। इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, देखिए आपने दो कोणों को बराबर सिद्ध किया, दो जोड़े बराबर है कोणों के और एक भुजा को बराबर सिद्ध किया। आप समझ रहे हैं कि आप कहेंगे कि कोण कोण भुजा या कोण भुजा कोण सर्वांग समता के कारण आप दो त्रिभुजों का सर्वांग सम कह रहे हैं, तो आप इस कथन का चयन करेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता से,
इस पांचवें कथन के लिए कारण आप इसे चुनेंगे और इसे पांचवा क्रम देंगे। अब अंत में देखिए, जब हमने दो त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कर लिया तो उस आधार पर आप एक अंतिम कथन कह रहे हैं, बीई बराबर सी एफ। बीई जो पहला शीर्ष लंब है वो बराबर है दूसरे शीर्ष लंब सी एफ के। इसका कथन यदि ये है तो कारण क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस कथन के लिए आप इस कारण का चयन करें और इसे क्रमांक 6 दें। तो इस तरह से आपने देखा कि इन कथनों के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों का आपने सही क्रम दिया। तो ये जो तरीका है वो हमें मदद करता है इस बात को समझने में, यदि हम किसी सवाल को हल कर रहे हैं ज्यामिति में या किसी प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। जो कथन हम कह रहे हैं, हर कथन के लिए जो उचित कारण है उसे हमें उसके साथ लिखना होता है। तो ये एक ढंग है अपनी बात को कहने का गणित में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी।